This is the day the Lord has made. Let's all rejoice and be glad. ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है. होने दे हम सब इसमें आनंदित हो जाएं. And welcome to this meditation time. और इस मनन के समय में आप सबका स्वागत है. Coming to you from Life Spring Assembly in Lucknow. और जबकि Life Spring Assembly की कलीसिया जो कि लखनऊ शहर में मौजूद है उसके द्वारा आपके बीच लाया जाता है. Remember we are meditating about the story of 10 lepers found in the Gospel according to St. Luke chapter 17. अगर आपको याद हो हम मनन कर रहे हैं उन 10 कोढ़ियों के कहानी के ऊपर जो कि लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय 11वें वचन से लेकर वचन में मौजूद है. And we have been meditating on the things that they needed to have for Jesus to meet their need. और हम बात कर रहे हैं उन 10 कोढ़ियों की, उन 5 आवश्यकताओं के विषय में, या गुणों के विषय में, या चरित्र के विषय में जो उनके पास होना अनिवार्य था कि यीशु उनकी जरूरत को पूरा करे. They were lepers. वो कोढ़ी थे. And as such, we also found out that the healing has to be both physical and spiritual. और इसलिए वो चंगाई शारीरिक और आत्मिक रूप से दोनों रूप से होनी थी. Because remember, the Jewish people always connected leprosy to sin. क्योंकि याद रखिए जो यहूदी हैं ये जो कोल की बीमारी है इसे हमेशा पाप के संग जोड़ते थे. So the first thing they displayed was, और इसलिए जो पहली बात उन्होंने दिखाई, their desperation, उनका भूख, उनका प्यास, and their earnestness, उनका लौ लगा करके जो उन्होंने पुकारा. And the second thing was, और दूसरी बात, in coming to Jesus, humility, they have shown tremendous humility. उन्हें यीशु के निकट आने के लिए या उसे पुकारने के लिए बड़ी दीनता को दिखाया. And I hope you remember the references that we have. मुझे पूरी आशा है आप उन वचनों को आपको याद होगा जो मैंने बताए. And thirdly, और तीसरी बात, there was a cry for mercy. उनके लिए दया के लिए एक पुकार थी. In that cry, they have shown respect and sincerity. और उस पुकार में उन्होंने एक आदर को, एक सच्चाई को दिखाया. And the fourth thing was, जो चौथी बात है, there was perseverance. एक धैर्य उन्होंने दिखाया. And today we shall meditate on the fifth and final thing. और आज के दिन हम पांचवी और अंतिम बात पर मनन को करेंगे. There was believing and obeying. वहाँ पर विश्वास करना और आज्ञाकारिता दिखता है. And I encourage you and I urge you to remember all these 5 things that we need to display in our approaching Jesus for any blessing. और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप इन 5 बातों को याद रखिए जब आप यीशु के निकट जाते हैं किसी भी विनती या प्रार्थना के लिए. See, Jesus did not heal them immediately. You will notice that. आप इस बात को देखेंगे इस कहानी में कि यीशु ने तुरंत ही उन्हें चंगा नहीं किया. There were things they had to do. उनके पास ऐसी बातें थी जो उन्हें खुद करनी थी. And they must obey the law. उन्हें व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी रहना था. Go to the priest. और याजकों के पास जाना था. And report that they had been healed. और उन्हें इस बात की सूचना देनी थी कि वो चंगे हो गए हैं. Now they are clean because they are cleansed. क्यों? और वो अब शुद्ध हो चुके हैं क्योंकि उन्हें शुद्ध किया गया है. And if they obeyed and believed. और अगर उन्होंने आज्ञा मानी और विश्वास किया. The Lord's word. It is the word of the Lord that whatever the Lord has spoken to them in words, that must they obey. और ये तो परमेश्वर का वचन था जो शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बात किया जिसको उन्हें आज्ञाकारी बनना था. And then they would be cleansed. और उसके बाद वो शुद्ध हो जाएंगे. No magic. कोई जादू नहीं. No charm. कोई वहाँ पर रोमांच नहीं. The Lord's word. सिर्फ परमेश्वर का शब्द. Where these do not work. और जहां पर ये सारी बातें काम नहीं करती. What? कौन सी? The magic. जादू.
charm और ये रोमांच कर लोगों को रोमांचित करना other things that we put our trust और दूसरी बातें जिन पर हम अपना भरोसा रखते हैं where these things don't work जहां पर ये सारी बातें काम नहीं करती faith and obedience work वहां पर विश्वास और आज्ञाकारिता काम करता है Notice what it says, the passage. और यहाँ पर देखिए वचन में क्या लिखा है. They were cleansed as they went. और जैसे वो जा रहे थे, वो शुद्ध हो गए. They acted out their faith. उन्होंने अपने विश्वास को कार्य में दिखाया. Every step they took away from the presence of the Lord aur jitne kadam unne parmeshwar ki upasthiti se jane ke liye badhaye was a proof that they rested and trusted wo is baat ka saboot the ki wo vishram karte the aur vishwas karte the parmeshwar ke us vachan par their immediate response They started off. उनका तुरंत का उत्तर ये था कि उन्होंने चलना शुरू कर दिया. And note again what it says. और वहाँ पर देखिए फिर से क्या लिखा है. They were cleansed as they went. जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए. Why did they go? और वो क्यों गए? Without seeing the healing, और बिना चंगाई को देखे वो क्यों गए? Because they trusted and obeyed what Jesus told them. क्योंकि उन्होंने उस बात पर भरोसा रखा और उसके प्रति आज्ञा मानी जो बात यीशु ने उनसे कहा. They acted by faith. उन्होंने विश्वास के द्वारा कार्य किया. And their action of going immediately shows that they qualified. To be healed in the sight of God. और उनका ये कार्य जो तुरंत जाने वाला था ये इस बात को दिखाता है कि कैसे वो तुरंत चंगे कर दिए गए. Because their going meant they believed Jesus' word. क्योंकि उनके जाने का मतलब ये था कि उन्होंने यीशु के शब्दों पर विश्वास किया. And they also believed his power. To meet their needs. और उन्होंने इस बात पर भी विश्वास किया कि कैसे यीशु के पास वो सामर्थ है कि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है. And my friends, मेरे मित्रों, God has promised us healing and miracles in our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में चंगाई और चमत्कारों का वादा किया. But if we really want to experience these blessings, लेकिन अगर हम सच में इन आशीषों का अनुभव करना चाहते हैं, it is absolutely important that we act by faith on His word. तब ये बहुत जरूरी है कि हम उसके शब्दों के द्वारा, उसके वचन के द्वारा कार्य करें. So you read the word of God. और इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए. And the word of God clearly spells out. What we need to do and what we need to have within us in order to receive the blessing. और परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्ट रीति से ये बताता है कि हमें क्या करना है और हमारे भीतर क्या होना चाहिए उसकी आशीष को पाने के लिए. Always very important. और इसलिए हमेशा बहुत जरूरी है. Remember. हमेशा याद रखिए. It is your faith and obedience put together that has the power. To bring down the blessings from God. ये तो आपका विश्वास और आज्ञाकारिता है जिसमें दोनों एक साथ मिलकर परमेश्वर की आशीष और सामर्थ को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाते हैं. And so, let me make one thing very clear. और इसलिए एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूँ. Christian faith is not magic. याद रखिए मसीही विश्वास कोई जादू नहीं है. Sometimes we think. कई बार हम सोचते हैं. That as soon as we pray. जैसे हम प्रार्थना करेंगे. Things must be done. और बातें हो जाएंगी. And even when we pray, many people believe that prayer works like magic. और जब हम प्रार्थना करते हैं, तब भी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये प्रार्थना जादू की तरह है. My friends, using charms or chanting of mantras, these are not the things that will. Bring the blessing to you. और याद रखिए मेरे प्रियो कि किसी मंत्र का उच्चारण करने से, किसी तंत्र को बोलने से, किसी भी रीति से आपके ऊपर कोई आशीष नहीं आएगा. It is a matter of trust and faith.
एंड ओबीडियंस. ये तो विश्वास, भरोसे और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के विषय में. ट्रस्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें. ट्रस्ट हिज वर्ड, उसके वचन पर भरोसा करें. एंड देन ट्रस्ट हिज पावर, और उसके सामर्थ्य पर भरोसा करें. एंड ओबे हिम, और उसके प्रति आज्ञाकारी बनिए. इट इज द ओबीडियंस दैट इज द लास्ट स्टेप, और ये वो आज्ञाकारिता है जो अंतिम कदम है. बट मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन सबसे जरूरी. Nothing shall be impossible then. और उसके लिए, उसके बाद कुछ भी असंभव नहीं होगा. And it is this faith and obedience which brings your healing. और ये विश्वास है, और ये आपका विश्वास और आज्ञाकारिता है जो आपकी चंगाई को लाएगा. This faith and obedience work where magic or charms or mantras do not work. और इसलिए ये विश्वास, आपका ये विश्वास और आज्ञाकारिता काम करता है वहां पर जहां कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई जादू काम नहीं करता. Let us read from the book of Hebrew. आइए इब्रानियों की पुस्तक से हम पढ़ें. Chapter 4, चौथा अध्याय, verses 12 to 16. बारहवें वचन से लेकर सोलहवें वचन तक. So let us look into this passage. आइए इस वचन के भाग की ओर हम देखें. Hebrews. इब्रानियों की पुस्तक उसका चौथा अध्याय 12 वचन से लेकर 16 वचन तक. यस. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं. Here it says, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of a soul and of a spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. You meditate on this passage. आप इस वचन के इस भाग पर मनन करिए. This is the power of God's word. ये परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य. God's word is living. परमेश्वर का वचन जीवित. And God's word is powerful. और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है. And God's word is the sword of the spirit. परमेश्वर का वचन तलवार है. Oh, what a powerful weapon. और कितना सामर्थ्य हथियार परमेश्वर ने हमें दिया. We overcome the devil himself by the word of God. और हम शैतान के विरुद्ध भी जय पा सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा. एंड ऑफ कोर्स बाय द ब्लड ऑफ जीसस, और हाँ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा. सो हियर एज वी कंक्लूड एंड दिस मेडिटेशन, और यहाँ पर जब हम इस मनन के समाप्त करते हैं, रिमेंबर दीज फाइव स्टेप्स, इन पांचों कदमों को आप याद रखिए. And these steps are very, very important. We cannot ignore, we cannot neglect it, and we cannot bypass them. और ये पांचों कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं. इनके हम तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन इनके लिए हमें महत्व रखना है. Let us show that desperation. आइए हम उस भूख को दिखाएं. We want it. मुझे चाहिए. We need it. मुझे इसकी आवश्यकता है. I cannot go on further without this. और इसके बिना मैं आगे नहीं जा सकता. And Jesus Christ is the only one who can meet it. और यीशु मसीह ही है जो इस जरूरत को पूरा करेगा. And let him see that desperation in us. होने दे वो आपके अंदर उस भूख और प्यास को देखे. And as we come to Jesus. और जैसे हम यीशु के पास आते हैं. Let us display that humility, that humble spirit within. होने दे हम उस दीनता को, उस दीन आत्मा को दिखाएं. A proud man will never receive anything from. और एक घमंडी मनुष्य को कभी भी परमेश्वर से कुछ प्राप्त ना हो. And the third thing is. और जो तीसरी बात है. We cry out to God in sincerity and showing how much we need. हम परमेश्वर के प्रति वो रो करके उसको पुकारते हैं, उस बात को दर्शाते हैं कि कितनी आवश्यकता में हम हैं. And in that kind of approach, God takes immediate step. और इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, परमेश्वर तुरंत ही
कदम उठाता है उस जरूरत Let us also not give up. और आइए हम हार ना माने. Let there be perseverance. होने दे हम धीरज और धैर्य को बनाए रखें. Believing in God's word and His power. परमेश्वर के वचन और उसके सामर्थ पर विश्वास करते हैं. That God will not refuse or reject a humble spirit and a contrite heart. कि परमेश्वर एक दीन आत्मा और टूटे मन को कभी तिरस्कार नहीं करेगा. And as we display these things, और जैसे हम इन बातों को दिखाते हैं, let God sees that we believe and we are willing to obey. तब परमेश्वर होने पाए देखने पाए कि हम विश्वास करते हैं और हम तैयार हैं आज्ञाकारी बनने. Why do we obey? और हम क्यों आज्ञाकारी बनते हैं? Because obedience shows that we believe what Jesus has told us. क्योंकि आज्ञाकारिता दिखाता है इस बात को कि हम उस बात पर विश्वास करते हैं जो यीशु ने हमसे कहा. So my friends, you need God's word. और इसलिए मेरे मित्रों आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है. Even in receiving anything from the Lord. और आपको परमेश्वर से कुछ भी पाना है. Lord, you said in this your word. और परमेश्वर आपने अपने वचन में इस बात को कहा. That if two agrees concerning any matter here on earth and pray, it will be given to you. कि यदि दो किसी भी बात को लेकर इस पृथ्वी पर सहमति बरतेंगे उस बात को मैं स्वर्ग में बांध दूंगा. So Lord, और इसलिए परमेश्वर, here we are. यहाँ पर हम हैं. We are desperate. हम भूखे और प्यासे हैं. Lord, हे परमेश्वर, have mercy on us. हम पर दया कर. Let your glory be displayed in us. उन्हें तेरा महिमा हमारे भीतर दिखने पर. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. And bless your people. अपने लोगों को आशीषित. That as they go on in this journey of life. जैसे कि वो जीवन की यात्रा में चलते हैं. We also know how to find favor with the Lord. तब हम भी परमेश्वर से उस अनुग्रह को प्राप्त करें. Amen. Amen. God bless you, my friends. परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे मित्र. Remember. याद रखिए. God is true. परमेश्वर भला है. And you will always have the best friend in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में आपके पास हमेशा सबसे अच्छा मित्र होगा. But let us be earnest. होने दे हम लौ लगाकर प्रार्थना. Let us be desperate. होने दे हम भूख और प्यास के साथ. Let us be humble. होने दे दीनता के साथ. And let us believe in the power of. और आइए परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Expect great things from the Lord. परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करें. Don't give up. हार ना माने. Amen. Amen.